स्थानीय एचडी विद्या मंदिर सेक्टर 11-12 में हुए मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में जिला महिला मोर्चा दो फाड़ नजर आई। स्टेज पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के स्वागत कार्यक्रम में कुछ महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों का नाम ना लेने से भड़की भाजपा महिला सदस्य कार्यक्रम बीच में छोड़कर बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगी। स्कूल के सभागार में नकवी का स्वागत किया जा रहा था, बाहर महिला कार्यकर्ता उनकी अनदेखी का रोना रो रही थी। सदस्यों ने महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि गुप्ता सिर्फ अपने चहेतों को स्टेज पर बुलाती है, पुराने वर्करों को भूल रही है। जब मीडिया कर्मी वर्करों को रोता देखकर कवरेज करने के लिए पहुंचे तो कुछ तथाकथित लोगों ने कैमरे को बंद करवाने की कोशिश कर कवरेज करने के लिए मना कर दिया। भैया मीडिया बंद कर, समझ दिया का दिए वो आपने घरेलू बात है, घरेलू है यार, आपने घरेलू बात भी छापोगे, घरेलू छापोगे, घरेलू बात और है। अरे घर का मैटर है वो, घर का क्या मैटर है। भाई साहब, हम यहाँ पे आए हुए हैं तो क्या सिर्फ इनको महिला मोर्चा की टीम को सिर्फ 2-4 बहनें नजर आती हैं? जो पुराने वर्कर हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? हमें ये बात सिखाई जाती है कि आप ये बात को प्रोग्राम को खराब कर रहे हो। क्या जो बड़े बैठे हैं हमारे से, उनको ये बात नहीं समझाई जाती कि आप जब उनको कोई उपदेश देते हो कि ये काम करो वो काम करो, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनको ये बात नहीं समझाई जाती हमारी जिला अध्यक्ष जी को कि आपके लिए सभी बहनें हैं और आप सभी बहनों को साथ लेके चलो? क्या सिर्फ उनको 4 बहनें नई नजर आती है? क्या पुरानी बहनें उनको नजर नहीं आती हैं? क्या वो सिर्फ 4 बहनों की जिला अध्यक्ष है? क्या वो बाकी सारी टीम की जिला अध्यक्ष नहीं है? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें सिर्फ अपना मान सम्मान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आज मंच पे बुलाया नहीं क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं बुलाया। किसी ने भी। कितने लोग हो आप लोग? आज महक दीवान हो रहे हैं, हम 5 महक दीवान है। तो आप तो पार्टी से तो बड़े पुराने जुड़े हुए हैं। काफी जुड़े हैं, ये मतलब हम काम करने के लिए जुड़े हैं, काम करने के लिए। हम जो बात है हम सिर्फ अपने उसी बात की कुंडल निकाल रहे हैं और आगे भी खड़े हैं। क्यों क्यों आपसे क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? अब हमें इस चीज का नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। पीछे जो कार्यक्रम होता पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था कि इसलिए क्या कारण था, क्या मामला जी? देखो, हमने तो यही बोला कि सब बहने, अर्चना जी ने कहा था कि पार्टी का जो काम चलता है या कोई भी प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें सब अपनी भागीदारी करते हैं। तो उसमें ये हुआ कि हमने कहा कि हम सब बहनें जितना भी अपनी पॉकेट अलाउड करती है हम उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। चलो ठीक, हमारे को मैं इशारा कर रही हूँ, अभी आ रही हूँ, कह रही मैं आ रही हूँ। लेकिन आज हुए हाई वोल्टेज ड्रामे से एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। कहीं ये अनदेखी आने वाले चुनाव में भारी न पड़ जाए।